अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम तो सुबह 4 बजे से उठ के लगे हुए हैं सफ़र में। वी आर टू मच एक्साइटेड बिकॉज इट्स आवर फर्स्ट इंटरनेशनल टूर। सो आप लोग मेरे साथ रहिएगा, लेट्स स्टार्ट। ये सब कह देना बहुत आसान है, एक्चुअली मैं काफ़ी कंफ्यूज था और मेरी काफ़ी ज़्यादा लगी पड़ी थी। हेलो बकार, ये इस सफर में मेरे साथ होएगा और उसके बाद मैं इसको दुबई छोड़ के आ जाऊंगा। अलविदा कहेंगे। हाँ, हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए, बोर्डिंग हो गई है एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर फ्लाइट्स। एक्साइटेड? एक्साइटेड। बेसिकली बकार का भी पहला इंटरनेशनल टूर है, मेरा भी, दैट्स व्हाई वी बोथ आर वेरी एक्साइटेड। एक्चुअली मैं बकार जो है ये फेसबुक फ्रेंड है मेरा। मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाला कि मैं दुबई जा रहा हूँ अकेला, तो उसने मुझे कहा कि मुझे भी साथ ले चले। मैंने कहा चलो आ जाओ भाई। PIA का नाम काफ़ी बदनाम है लेकिन इंटरनेशनल PIA का सफ़र क्या कभी किया नहीं था। PIA एज पर एक्सपेक्टेशंस खटारा बस की तरह है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब जहाज़ बादलों से भी ऊपर उड़ रहा होता है तो बंदा ये सोच रहा होता है कि याला एक दफ़ा थले ला दे। मेरे दिल में एक ही चीज़ आती है यार, व्हीलचेयर वाला फ्लाइंग टू दुबई। मुझे एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम नहीं खासा फेस करना पड़ा बोर्डिंग के दौरान और जहाज़ के अंदर बैठने तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मैं पहले भी सफ़र कर चुका हूँ तो इसलिए मुझे पता है कि कैसे ये सारे काम होते हैं। लेकिन एज पर एक्सपेक्टेशंस PIA जहाज़ इतना बकवास था कि आजकल की बसेस भी इससे ज़्यादा लग्जरी होती हैं। चेक करो मेरी शशके, चेक करो मेरी खुशी की इंतहा नहीं है। Assalamu alaikum, my dear train friends. Arrivals and baggage reclaim arrive in 2 minutes. Passengers connecting to other flights should not board the train and should follow the red airport connection signs located at the end of the platform. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मेट्रो का सहारा लेना पड़ेगा। लैंडिंग के दौरान मेरे माइंड में एक ही बात चल रही थी कि खैर है, अब मौत आ भी जाए तो खैर है, कोई मसला नहीं। फाइनली मैं किसी दूसरी कंट्री को देख रहा हूँ, किसी दूसरी कंट्री में पहुंच चुका हूँ। अपनी कंट्री में ही सिर्फ वो कहते ना, खुद अडड्डू होके नहीं मरिया। अभी तो मैं सिर्फ दुबई का एयरपोर्ट ही देख रहा हूं और परेशान हो रहा हूं कि वाओ वाओ अमेजिंग। और लें जनाब, हम बैठ गए टैक्सी पे। टैक्सी स्टार्ट फ्रॉम 25 दिरहम। जी अस्सलाम वालेकुम, हम पहुंच गए अपने होटल में और टैक्सी से बाहर आए। इट्स वेरी हॉट टुडे, यहाँ पे होटल थोड़ी गर्मी है। मैंने कहा चलें इसका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा थोड़ा सा ना, कितनी गर्मी है वगैरह वगैरह। सो होटल के अंदर जाते हैं, फिर आपको होटल का भी टूर देते हैं। इट्स ऑसम। जिम करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद ये नहाना स्विमिंग पूल में। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप। मैं अपने होटल में चेक इन कर चुका हूँ 2 बजे के करीब से, स्विमिंग पूल पे नहा के भी आया हूँ और होटल को पूरी तरीके से देखा है ऊपर से नीचे से। अभी दुबई फेस्टिवल में जाने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। चले चलते हैं। फेस्टिवल सिटी जाने का इरादा था लेकिन टैक्सी तो मिलने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं एक्सप्लोर करूं दुबई को, ना कि अपनी गाड़ी मंगवा के बल्कि मैं लोकल ट्रैवल करूं।
आज फर्स्ट डे का जो एक्सपीरियंस है हमारा वो कुछ अच्छा नहीं जा रहा, हमें टैक्सी नहीं मिल रही, हमने मेट्रो का एक स्टेशन पूरा विजिट कर लिया है पैदल ही, और इसी बहाने से मुझे बड़े अच्छे शॉट्स मिले हैं, और हमने दुबई को रात के टाइम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया, घूम लिया, प्लेन देखने को नज़र आ रहा है यहाँ पे, एक अपना ही मज़ा है, ट्रैफिक का और रूल्स का, मौसम अभी यहाँ पे ठंडी हवा चलना स्टार्ट हो गई है, गर्मी कुछ शिद्दत कम हो गई है, यूजली यहाँ पैसा होता नहीं है लेकिन यहाँ पे अब पैसा आज हो रहा है। ऑलमोस्ट एक घंटा सड़कों पे खल्ल खुआरी करने के बाद हमें फाइनली टैक्सी मिल ही गई। दुबई फेस्टिवल सिटी जाने के लिए आपको इस मॉल के अंदर से गुजरना पड़ेगा। मॉल काफ़ी अच्छा है और खूबसूरत है। बेसिकली मैं पहली दफ़ा आया हूँ तो मेरे लिए काफ़ी यहाँ पे चीज़ें और ब्रांड्स नए भी थे, सो ओवरऑल इट्स गुड एंड ऑसम एक्सपीरियंस। हम बाहर निकल आए हैं और यहाँ से जो नज़ारे आने वाले हैं, क्या बात है, ये नज़ारे देख के लग रहा है कि यस इसी चीज़ के पैसे हैं। काफ़ी अच्छा इन्होंने माहौल क्रिएट किया, स्पेशली बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एनिमेशन वीडियोस ये प्ले कर रहे हैं और हर दफ़ा एक नई स्टोरी चलाते हैं, सो बेसिकली बड़ा मज़ा आता है। पानी के अंदर और बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे काफ़ी अच्छा इन्होंने माहौल क्रिएट किया हुआ है और हर एज के बंदे के लिए यहाँ पे इंटरटेनमेंट है। शबीर भाई हम कहाँ आ चुके हैं इस टाइम? इस टाइम हम आ चुके हैं दुबई फेस्टिवल सिटी में, पुर्तगाली रेस्टोरेंट है नंदूस, हम अभी नंदूस में बैठे हुए हैं। तो आज हमारी बड़ी खज्जल खुआरी हुई है और उसके बाद भूख के साथ बुरा हाल है और ये फर्स्ट मील है इन दुबई। आज हम सुबह 12 बजे के आए हुए हैं, दुबई में लैंड किया है पर अभी तक खाना नहीं खाया। आज बड़ा ही ज़बरदस्त दिन है, मेरी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है इंटरनेशनल टूर्स के साथ। दुबई काफ़ी अच्छी जगह मुझे लगी है एंड लेट्स टेस्ट सम फूड। इट्स सो अमेजिंग। खाना मज़ेदार था, कुछ हमें भूख भी लगी हुई थी,
तो काफ़ी मज़ा आया खाने का और टेस्ट काफ़ी यूनिक था। एक प्लस पॉइंट ये भी था इस रेस्टोरेंट का कि यहाँ पे आप एक दफ़ा कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करते हैं तो रीफिल फ्री है, आप जितनी दफ़ा मर्जी रीफिल करवाएं, पीते जाएं और ये आपका ग्लास भरते जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो माहौल था, क्या बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट्स तो बनते हैं।